हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना निटिंग पैटर्न। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको मैंने जिप्पर बनाना है, तो जिप्पर के लिए मैंने पीछे का बॉर्डर बना लिया है, देखो इस तरह से, ठीक है। और मैंने बाजू के भी बॉर्डर बना लिए हैं इसमें, कि दिखाती हूँ आपको इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं जिप्पर के लिए, जैसे मैंने आगे के पल्ले में के बॉर्डर बनाने हैं ना, तो मैं इसमें कितने कुंडे लगाऊंगी और कितने पट्टे को रखूंगी और कैसे बनाऊंगी, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे जिप्पर के लिए पीछे 135 कुंडे रखे हैं, ठीक है। तो 68 कुंडे हमारे, इसका हाफ हो गया, ठीक है, 68 उसमें प्लस कर लो 15, ठीक है। 15 कुंडे हम पट्टी के लिए रखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने ये देखो 41 तक रखे हैं, ठीक है। यानी कि ये है जी 82 कुंडे है ये, ठीक है, 82 या 83, ठीक। तो इतने कुंडे हमने इसमें लगाने हैं। तो पहले तो हमने देखो 1 बाय 1 करके नीडल निकाल ली है इस तरह से इसमें। अब मैं इसको बनाती हूँ, ठीक है, ये देखो धागा। अब इसको कैसे लगाएंगे ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लगभग बॉर्डर बनाने का तरीका सेम है, पर इसमें पट्टियाँ डिफरेंट बनेगी, ठीक है। पट्टियों के लिए इसमें अलग अलग दोनों साइड की पट्टियाँ अलग बनेगी, ठीक है। ये देखो हमने 0 to 0 डायल कर लिया, एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ठीक। अब इसमें कंघी लगाएंगे, हम ये कंघी लगा लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब इसमें वेट लगा लेंगे, ये वेट लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे कम से कम 3 वेट लगाएंगे हम इसमें, इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले तो ये देखो इस तरह से डायल बटन 2 कर लेंगे, ऊपर का भी और नीचे का, और ये वाला बटन हम ऊपर कर लेंगे और सेकंड बटन ऊपर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे 3 सिलाई लगाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक। अब इसको प्रेस कर देंगे, यानी कि इसको बटन को आगे कर लेंगे और ये वाला बटन नीचे कर लेंगे, और डायल बटन को जितने भी हमने बॉर्डर बनाने होते हैं उतना डायल करेंगे। तो इसको मैं जैसे ये 4 ली हूँ ना, तो इसमें 6 नंबर पे बनाऊंगी, क्योंकि इसके जो बॉर्डर होते हैं ना वो लूज चाहिए होते हैं, ठीक है, ये टाइट बॉर्डर नहीं चाहिए होते, इसके बॉर्डर लूज चाहिए होते ताकि स्ट्रेट रहे, ठीक। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, है ना। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 26 और ये 27 लाइए होगी हमारी, ठीक है। तो अब देखो इस साइड का तो हम नहीं बनाएंगे, पहले इस साइड का बनाते हैं, ठीक है, इस साइड का ऐसे 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 × 8, ठीक है, 8 नीडल हमने आगे कर ली। और इसी तरह इसमें 2 4 6 और 1 7 नीडल नीचे की और 8 नीडल ऊपर की, 15 कुंडे हमने लॉक कर लेने हैं। ये बटन हमने प्रेस कर लिए थे ताकि ये लॉक रहे और ऊपर वाला बटन ना, ठीक। ये देखो हमारा ये हाफ निकल गया,
तरह से अब हम देखो ये नीडल पीछे कर लेंगे, ठीक है। इसकी पट्टी बनाने के लिए, जिप्पर के लिए ये वाली पट्टी हमने पहले बनानी है, तो इसमें वेट लगा लो, ठीक है। एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो इस तरह से। अब देखो ये लॉक है ना, तो हम इसको ये कर लेंगे, ठीक। अब इनको अनलॉक कर लेंगे इस तरह से, ये बटन ऊपर कर लेंगे और ये धागा लगाएंगे इस तरह से, ठीक। अब इसको हम 5 नंबर पे बुनेंगे ऊपर, ठीक है। 5-5 डायल कर लिया हमने और इसमें इसकी बुनाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बना के फिर बताती हूँ। इस तरह से बनाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और बना के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये एक साइड की पट्टी बना ली, ठीक। ये देखो अब मैं आपको निकाल के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से, ठीक। ये हमारी लेफ्ट साइड की है, ठीक। ये लेफ्ट साइड की है, जो इस साइड बनेगी वो हमारी राइट साइड की होगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको दूसरी पट्टी भी बना के, दूसरी बॉर्डर बना के फिर दिखाती हूँ, ठीक। तो कुंडे फिर से सेम लगा लेंगे, इसमें सेम ही कुंडे लगेंगे। ये नीडल आके कर लो, ठीक है। इस तरह से ऐसे ठीक नीडल आगे कर लिया हमने। अब हम फिर से धागा इस तरह डालेंगे और 0200 यहाँ भी 0 डाल करके फिर हम कैरिज को आगे चलाएंगे, ठीक। और इस तरह से कंघी लगा लेंगे, इसमें वायर लगा लेंगे, ठीक है। वेट लगा लेंगे, सेकंड बटन प्रेस करेंगे, 2-2 डायल करेंगे और 3 स्लाइड, 1-2 और ये 3, ठीक। अब जितनी इसमें सिलाई लगाइए ना, ठीक है, उतनी ही सिलाई हम इसमें लगाएंगे, ठीक। फिर आपको बताते हैं, डायल डायल नंबर 6 कर लेंगे, एक सिलाई होगी। अब मैं आपको ये इतनी ही सिलाई है जितनी मैंने उसमें लगाई है, उतनी लगाने के बाद फिर आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक। ठीक है, अब हमने जितनी सिलाई इस बॉर्डर में थी ना, उतनी ही सिलाई इसमें लगा ली, ठीक है। इतनी सिलाई इसमें लगा ली। अब देखो इस साइड हमने पहले आगे कुंडे लॉक किए थे, ठीक है। अब हम इस साइड लॉक करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो, 1-2-3-4, ठीक है, 8 कुंडे हो गए ये, ठीक। 1-2-3 और एक, ये 3-2-6 और 1-7, 7 कुंडे नीचे और 8 कुंडे ऊपर, ठीक है। आप देखना जरा ध्यान से, अब देखो, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने आगे कर लिया, ठीक है। ये धागा निकाल के हम इसको साइड से निकाल के यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, ठीक, यहाँ लगा दिया। अब हम ये बटन दबाएंगे इस तरह से और ये बटन इस तरह से और इधर वाला भी नीचे कर लेंगे और वेट निकाल लेंगे, ठीक। अब हम इसको चलाएंगे, देखो खाली कैसे चलाएंगे, देखो हमारे
ये कुंडे सेफ है, बाकी निकल गए। ठीक है, अब ये कुंडे हम पीछे कर लेंगे जो खाली है। इस तरह से अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें वेट लगा लो इस तरह से। ठीक, अब ये कैच हमारा इस साइड लेके जाओ, और ये धागा दोबारा से हम इसमें इस तरह से डाल लेंगे। ठीक, अब जो हमने लॉक किया था उसको इस तरह से ये बटन ऊपर कर देंगे, और ये भी प्रेस कर देंगे। और जैसे 6 नंबर पे बनाया है बॉर्डर, तो हमने ऊपर को पट्टी 5 नंबर पे बनानी है। ठीक है, तो 5 नंबर पे हम कैच इस तरह से चलाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ये इस तरह से मैं इसको चलाती जाऊंगी, तो मैं इसको बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ ये कैसे बन के आया है। ठीक है, देखो हमारा इतना बन गया है ये। अब थोड़ा सा और बनाने के बाद फिर आपको निकाल के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा धागा थोड़ा सा रह गया, तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं इस तरह। देखो हमारी, ठीक, ये देखो इस तरह से ये आएगा हमारा राइट साइड। ठीक है, ये राइट साइड को आएगा बॉर्डर। ठीक है, राइट साइड की पट्टी है ये, और ये हमारी लेफ्ट साइड की। ठीक, ये लेफ्ट साइड का बॉर्डर है इस तरह से। ठीक है, ये देखो ये इस तरह से और ये हमारा पीछे का बॉर्डर है। और ये हमारा पीछे का बॉर्डर है, और ये बाजू, और दूसरी ये बाजू। ये मैंने जिपर के बॉर्डर बनाया है, तो मैंने दो तरह के बॉर्डर बनाए हैं। देखो एक बॉर्डर मतलब इसमें ये इस तरह से मैंने ये जो पट्टी बनाई है ना, ये देखो इस साइड बनाई है, और इस साइड भी बनाई है, तो इस तरह से ये दोनों। ठीक है, तो इस तरह से भी बनते हैं जिपर के बॉर्डर। और जैसे मैंने हुड भी बनाना है ना, इसमें हुड है, एक हुड का ऑर्डर है, तो फिर देखो ये हुड के लिए ये देखो इस साइड से राइट साइड से ये पट्टी होके जाएगी हुड से जुड़ के, और हमारे जैसे कुट्टी की तरह इस लेफ्ट वाले साइड, ठीक है, इस साइड जुड़ेगी इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको ये बनाने के बाद फिर आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने हुड में इसको अटैच किया। ठीक है, तो अगर जी आप इसकी वीडियो में से फुल चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, फिर मैं आपके साथ इसकी फुल वीडियो शेयर करूंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू।